हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बना रहे हैं बीन्स, फ्रेंच बीन आती है ना, उसकी सब्ज़ी बना रहे हैं और एकदम नए तरीके से बना रहे हैं। हम इसमें चने का यूज़ करेंगे। हमने फ्रेंच बीन को लेकर अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया है। फिर देखिए, आधे आधे इंच जितना बड़ा हम इनका पीस कर लिए हैं। वैसे आप छोटा भी काट सकते हैं, पर हमने ये रखा है छोटा बड़ा, आप अपने हिसाब से रख लीजिए। और इसको अच्छे से हम धो के काट लिए हैं। और ये है चने की दाल। चने की दाल को हमने 2-4 घंटे आप भिंगा दीजिए, या तो रात सुबह बनाना है तो रात में भिंगा के रख दीजिए, अच्छे से फूल जाएगी। वैसे 4 घंटे इसके लिए बहुत है फूलने के लिए। और इसको आप ऐसे दबा के देखेंगे ना तो बीच में से एकदम आराम से दब जाती है। तो इतना तक हमें इसको भिंगा रहना है। और अब हम जो है इसको बनाने का शुरू करते हैं। फ्रेंच बीन और चने की दाल की एकदम नई यूनिक रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा। और हाँ, अभी तक आपने जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू लोग हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए ज़रूर से। और हाँ, हमने इसमें इस्तेमाल करने के लिए एक प्याज ले ली है। प्याज को हम एकदम छोटा छोटा काटेंगे और अच्छे से एकदम जितना महीन हो सके उतना महीन करेंगे हम इसको। आप जो है इसको अच्छे से काट लेने के बाद, और हाँ, जो बीन की सब्ज़ी है ना, आपने बहुत तरह से बनाई होगी, पर ऐसी सब्ज़ी तो बहुत ही मुश्किल है, एकदम न्यू है। चने की, चना डाल के इतने अच्छे, मैंने तो बनाया तो मेरे घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई उन्हें, सब लोग उंगलियां चाट कर रहे, वाह बहुत अच्छी बनी है। और साथ में हम ले लेंगे लहसुन। लहसुन हम जो है कम से कम 8-10 कलियां लेंगे, उनको एकदम महीन महीन, जितना आपसे महीन हो सके आप करिए। और इसको भी ऐसे छोटा छोटा कर लेंगे। और अब हम अदरक ले लेते हैं, इसको भी हम इसको घिस के डालेंगे। ये हमने पैन रख दिया है गरम होने के लिए। अब इसमें हम तेल डाल देते हैं। अब जो भी ऑयल यूज़ करते हो वो करेंगे, हम आज पीनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं। हम जीरा डाल देंगे, जैसे ही हमारा जीरा चटकेगा उसमें हम डाल देंगे ये लहसुन। और ये अदरक घिस के डाल देंगे। और इसको अच्छे से भूज लेंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। और हम डाल देंगे हींग। जैसे ये लहसुन हमारा भुज जाएगा हम इसमें डालेंगे प्याज जो छोटे छोटे काट के रखे हैं। इसको अच्छे से भुज लाल करना है, बहुत अच्छी स्मेल आती है अदरक और लहसुन को जब आप भूजते हैं ना, उसमें बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। हमारा अदरक लहसुन हो गया है, इसमें हम कटे हुए प्याज डाल देंगे। और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। और इसको अच्छे से हम भूज लेंगे, लाल कर लेंगे। अभी थोड़ा और भूजेंगे इसे।
और अब ये हमारा प्याज हो गया है, ऐसा ही चाहिए हमें। और अब यहाँ पे हम मसाले डाल लेंगे। थोड़ा सा स्वाद अनुसार मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। मसाला हमारा जले नहीं, ये ध्यान रखें कि जलेगा तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और ये हमारा मसाला भून गया है, अब यहाँ पे हम जो चने की दाल भिंगा के रखे थे वो डालेंगे। हमने चने की दाल भिंगा के रखी थी उसको डालना, और ये भी साथ में इसके हम भून लेंगे। इसको हम डाल के चना दाल भी डाल के अच्छे से भून लेते हैं। अभी हमारी दाल भून गई है, इसमें हम पानी डाल देंगे। ये हम एक कप जितना पानी डालें और अभी हाई फ्लेम कर देंगे, जैसे खोलने लगेगा इसको मीडियम कर देंगे। यहाँ पे हम नमक डाल देते हैं, हमें बीन भी डालना है उसी हिसाब से नमक डालेंगे और इसको खोलने देते हैं। और जैसे ही खोलने लगेगा इसको हम ढक देंगे और मीडियम आंच पे कर देंगे। और ये हमारा खोलना शुरू हो गया, इसकी आंच हम मीडियम कर देते हैं। और ढक देंगे। इसको चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा और पका लेंगे। इसको चेक कर लेंगे। और ये हमारी दाल भी हो गई। अब यहाँ पे हम एक कटी हुई बीन्स डाल देंगे। और इसे भी पक के 5 मिनट पकने देते हैं, ढक के पकने देंगे।
एक टमाटर ले लेते हैं, इसको भी छोटा छोटा काट लेंगे। और टमाटर को छोटा छोटा काट लिया है, अभी पक जाएगा बीन, फिर डालेंगे। सब्जी खोल के देखेंगे, आइए हो चली है हमारी सब्जी। अब यहाँ पे हम टमाटर डाल देंगे, टमाटर काट के रखा है वो डाल देंगे। इसे भी ढक के 5 मिनट पका लेते हैं। और एक बार इसको फिर से चला देते हैं। अभी टमाटर और थोड़ा सा गला देते हैं। ये हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है। अब गैस बंद कर देंगे और थोड़ी सी ऊपर से धनिया डाल देंगे। और अभी तक जो भी सब्सक्राइब ना किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे, शेयर करे और ज़रूर बना के देखिएगा। बहुत अच्छी लगती है चना और बीन की सब्जी। थैंक यू।